आप टेक्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी जीपीएस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके उसको चालू करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। कैसा भी जीपीएस हो आप उसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। फिर हेलो दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं HF डीलक्स के अंदर जीपीएस, और ये हमारा नया मॉडल आया है स्पेशली बाइक के लिए है। इसके ऊपर आपकी 5 साल की गारंटी है, कभी कुछ हो जाता है तो आपको रिप्लेस होकर नया पीस मिल जाएगा। स्पेशली बाइक के लिए है ये, मतलब ये बाइक की बैटरी ड्रेन नहीं करता है तो आपको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। ये वायर काफ़ी लंबी होती है इसकी, जो मैंने आपकी ये कट कर दी है। अब हम इसके अंदर ACC चेक करेंगे, डायरेक्ट चेक करेंगे, उसके लिए हम लेंगे एक मीटर, और मीटर ये रहा आपका, इसको 20 पे कर लेंगे क्योंकि, और इन दोनों को देख लीजिए इस तरीके से लगा दिया। अब मैं ये देख लीजिए चाबी से जो वायर आए हैं निकल के, चाबी से ये वायर आए हैं निकल के, अब इनके अंदर ही हम चेक कर लेंगे किसके अंदर डायरेक्ट है। इसके अंदर हमने रेड लगा दिया है, ये देख लीजिए डायरेक्ट है, और ये आपकी बगल वाली ACC है, ये ACC है, अभी चाबी चालू है, ये बंद कर दी, चला गया, और ये चाबी चालू कर दी, आ गया, इसको बोलते हैं ACC। तो ये डायरेक्ट है, ये ACC है। तो हम आगे काम करते हैं, पता चल चुका है। और अगर आप इंजन ऑन वाला लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट वायर ये वाला कट होता है, ये आप यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से स्पेस ज़्यादा है काम करने का, यहाँ से थोड़ा स्पेस कम है, लेकिन लगाने का एक ड्रॉबैक इस तरफ इस वायर में इसलिए है क्योंकि जब भी लॉक ख़राब होगा तो ये यहाँ से चेंज होगा तो आपका तार हट जाएगा GPS का। अगर आप इस साइड लगाते हैं तो ये कभी नहीं छिड़ता आपका ये साइड, तो इसलिए हम लोग इसी साइड लगाते हैं, हम लोग इस साइड नहीं लगाते हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है इसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, हम लगाते इसी साइड हैं। आज हम अगर 10 मिनट फालतू लगा लेंगे ना तो हमें पता है फिर हमें कभी GPS छेड़ने की जरूरत नहीं है, हमारा लॉक चेंज हो जाए कुछ भी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम इनको स्प्लाइस कर लेंगे, ये हमारा डायरेक्ट है और रेड पे के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप है, ये हमारा ACC है, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे निकाल के कर लेते हैं, हल्का सा स्प्लाइस करेंगे कि हमने स्प्लाइस कर लिया है, और ये हमने स्प्लाइस कर लिया है। जगह बहुत काम करने की कम होती है इस साइड में, तो लोग क्या करते हैं वो इस साइड लगा देते हैं, लेकिन इस साइड जब भी आपका लॉक चेंज होगा ना तो ये साइड हट जाती है, ये न्यू साइड आ जाती है। तो अगर आप दोबारा से कनेक्शन कराना चाहते हैं तो आप उस साइड लगा सकते हैं, नहीं तो बेस्ट वे वही है आपका, ये साइड कभी नहीं हटती। देखिए आप जितनी मेहनत से GPS लगा लेंगे ना उतनी ही बाइक आपकी सेफ है, जितनी मेहनत से GPS लगा लेंगे। अगर आप मेहनत में कंजूसी करेंगे अब इसमें हम टेप कर देंगे, ये हमारा लग चुका है, इसको लगा देते हैं। अब इसका ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर के लिए हम ये लॉक के नीचे का नट खोल लेंगे, ये देख लीजिए इस तरीके से, और ब्लैक वायर इसके अंदर लगा देंगे। ये ब्लैक वायर लग गया, हमारे कनेक्शन हो गए कंप्लीट, ठीक है। येलो हो रहा है, इंजन ऑन ऑफ के लिए होता है, अगर ये लगाते हैं इंजन ऑन ऑफ में काम आती है, ठीक है, तब ये येलो वायर यूज होती है। अभी इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पे टेप कर देंगे, और मैं आपको बता ही चुका हूँ
कि जब आप डायरेक्ट इंजन ऑन ऑफ लगाएंगे तो हमारे जो डायरेक्ट वायर आ रहा है वो कट होगा, उसमें एक रिले लगेगा। और रिले कनेक्शन कैसे होते हैं, हमने काफ़ी सारी गाड़ियों बता रखे हैं, तो कट होने वाला वायर पता लगते ही आप उन वीडियोस को देख के पता कर सकते हैं कि रिले कैसे लगता है। बहुत ईजी है रिले लगाना, कोई बड़ी बात नहीं है, बट बाइक के अंदर रिले ना ही लगाएं तो बेस्ट है। रिले लगाने के बाद ना उसको छुपाना और मुश्किल हो जाता है, और जो रिले होती है आपकी, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होती, तो क्या होता है वो बैटरी कंज्यूम करती है। अब हम इसको वापस वैसा का वैसा ही पैक कर देंगे जैसा ये लगा हुआ था स्टार्टिंग में। जीपीएस में सिम डाल के इसको हम चालू कर चुके हैं, अंदर से एक ऑन ऑफ का बटन है, इसको ऑन ऑफ कर लीजिए। इस टाइम ये ऑन है, सिम डाल चुके हैं हम, ये हम इसको बैक कर चुके हैं। अब हम इस जीपीएस को जो है इस तरीके से लगा देंगे और इसके ऊपर ही लगा देते हैं, यहाँ पानी जाने की कोई टेंशन है नहीं। आप चाहें तो इसको पॉलीथीन में लपेट सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हैवी पॉलीथीन में नहीं लपेटना। मैं हल्की सी टेप लगा देता हूँ उसके ऊपर, वैसे पानी जाता नहीं है, IP67 वाटरप्रूफ होते हैं ये सारे जीपीएस। ये वाली साइड अप वाली थी, इसको ध्यान रखना है कौन साइड अप है, क्योंकि अप साइड अगर आप नहीं रखोगे ना तो नेटवर्क में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, इतनी तो टेप लगाने से भी नहीं आ सकती। मतलब टेप लगाने से ना हल्की सी बारीक सी दिक्कत आएगी, दिक्कत क्या आएगी आपको कभी फील ही नहीं होगा। और आपको टाई ही यूज़ करनी है इसमें, अगर टेप यूज़ करेंगे तो टाइम के साथ टेप जो है ख़राब होती चली जाती है, तो वो एक दिन आपका GPS। ये हमारा हो गया, अब हम इसकी हेडलाइट पैक कर देंगे जैसे हमने इसको खोला था। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है इसको लगाना, अब इसमें ये दो तीन नट हैं ये लगा देंगे और ये ओके हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपको अगर किसी भी तरीके का GPS है आपके पास ऑलरेडी, उसे चलाना चाहते हैं तो हमारे साथ हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हम उसको रन कर देंगे और उसका एनुअल चार्ज होता है वो आपको देना पड़ेगा। 10 नंबर की गोटी। और अगर आप किसी भी तरीके का बल्क में मंगाना चाहते हैं तो आप बल्क में मंगा सकते हैं, हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। आपको सिंगल GPS या जैसे भी आपको GPS चाहिए तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते, फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं, अमेजोन से कर सकते हैं, डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। डायरेक्ट बाय करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। और बाइक्स के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है अर्थ देने की, ठीक है, और जो अर्थ आता है चाबी के नीचे एक नट होता है, मतलब जो लॉक होता है ना लॉक के नीचे एक नट होता है, वहाँ सबसे बढ़िया नट अर्थ आता है। और जब भी आपका लॉक चेंज हो, अगर आपका GPS लगा हुआ है तो बस आपको अर्थ का ध्यान देना है, आप उससे अपना अर्थ वापस लगवा लीजिएगा वरना GPS ही हो जाएगा बंद, फिर आप कहेंगे यार GPS बंद हो गया पता नहीं कैसे। GPS लगाने के बाद आप इस तरीके से हमारी 99GPS लॉगिन ऐप है प्ले स्टोर पर, वो डाल सकते हैं और उसके बाद आपको ये सारी गाड़ियाँ इस तरीके से चलती हुई दिखेंगी, ग्रीन रेड, और ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये लाइव मैप पर आपको दिख जाएगी चलती हुई जहाँ पे भी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप चलते हुए देख सकते हैं मैप के ऊपर किस स्पीड में जा रही है, ऊपर आ जाएगा आपका, और कितनी देर से खड़ी है वो सब यहाँ पर बताएगा आपको।